बोकारो के बोकारो झरिया ओपी थाना क्षेत्र के दुबई स्टेशन से दामोदर कोलेरी रेल साइडिंग जाने वाली लिंक लाइन को बीती रात्रि लोहा चोरों ने पोल संख्या 00/E44 से 00/E46 तक निशाना बनाते हुए 106 मीटर रेल लाइन का 57 टुकड़ों में गैस कटर से काट कर लोहा चोरों के द्वारा चोरी का प्रयास किया गया। स्थानीय लोगों की तत्परता के कारण लोहा चोर फरार हो गया। घटनास्थल से एक मोटरसाइकिल, 4 ऑक्सीजन सिलेंडर, 3-5 केजी का LPG सिलेंडर तथा गैस कटर मशीन बोकारो झरिया थाना पुलिस ने जब्त कर धनबाद रेल पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। बताते चले कि दामोदर कोलेरी रेल साइडिंग में रेक लोडिंग को लेकर दुबदा रेलवे स्टेशन के बगल से लिंक लाइन का निर्माण कराया गया था, जो करीब 10 वर्षों से लोडिंग का काम बंद पड़ा हुआ है, जिसको निशाना बनाते हुए लोहा चोरों ने रेल लाइन की चोरी करने का प्रयास किया। पूर्व में भी लोहा चोरों का तांडव पूरे जिले में देखने को मिल रही है, लेकिन लोहा चोरों का दुस्साहस इतना बढ़ गया कि रेलवे को भी अब निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। क्षेत्र में जो है घटना घटी है रेल लाइन कटने का, क्या मामला? मामला है गाँव वाला देखा था, पेट्रोलिंग लोग था उस समय रात को, उसी तत्परता से पेट्रोलिंग वाली देख के सारा चोर भाग गया है। वो बाइक और कटने वाला सामान, गैस कटर और सिलेंडर और जो कटा हुआ सामान है पटरी, वो सब छोड़ के भाग गया है। इसमें कोई पकड़ाया नहीं है। गुड मॉर्निंग, हम लोग छापामारी करके सब जल्दी करेंगे, जल्दी पकड़ लेंगे जो शामिल है इसमें। पुलिस की तत्परता के कारण जो है पकड़ा गया, कितने का मटेरियल है, कितना लाइन है? कितने का ही तो बताएंगे आपके विभाग के, कितना का नुकसान हो रहा है। सिलेंडर कितना पीस का है? 4 पीस है। ऑक्सीजन सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, कटर क्या क्या मिला? विभाग में अभी जब्ती बनेगा पूरा फाइनल। कितना बजे रात पे था? 3 बजे लगभग।